जी हाँ, कुछ कर ऐसा दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं, आज प्रैक्टिस सेट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। और देखिएगा, आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे, पढ़ा भी होगा, आपको आता भी होगा, बट बेटा इसका थोड़ी सा प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है ये वीडियो। तो चलिएगा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चा प्यास से मर रहा होगा। आप भी अपनी कापी पेन ले लें और देखें कि अपने आपके सेंटेंस कितने सही निकल रहे हैं। बच्चा प्यास से मर रहा होगा, तो हमने यहाँ पर देखा सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट यहाँ पर होगा बच्चा। बच्चा यानी हम लिख सकते हैं चाइल्ड, चाइल्ड भी लिख सकते हैं बच्चा। देखिएगा होता क्या है कि हम बच्चा को बोल सकते हैं, बच्चे क्या होता है, ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग मीन्स होता है बच्चा, ठीक है ना। ऑफ स्प्रिंग मीन्स बच्चा होता है, कौन सा बच्चा होता है, ये बच्चा बिल्कुल 3 या 5 दिन का बच्चा होगा। इसके बाद इन्फेंट मीन्स भी होता है बच्चा या शिशु, इन्फेंट मीन्स भी होता है बच्चा या शिशु, ठीक है। ये बच्चा जो होता है 3 या 4 महीने का होता है। फिर होता है बेबी, ठीक है, बेबी मीन्स भी बच्चा होता है, ठीक है, बेबी मीन्स बच्चा होता है। एक आपने गीत सुना होगा बेबी को बेस, सुना होगा, तो क्या इस वाले बेबी को बेस पसंद है, ऐसा नहीं होता है बेटा। इस वाले बेबी को तो बेटा बोलना भी नहीं आता है, बेस कैसे पसंद हो जाएगा। तो वो बेबी जो है, वो जिस बेबी को बेस पसंद, वो ये वाला बेबी है बेटा, ठीक है। तो ऑफ स्प्रिंग मीन्स बच्चा, इन्फेंट मीन्स बच्चा, बेबी मीन्स बच्चा, और चाइल्ड मीन्स बच्चा। जब बच्चा थोड़ा बहुत चलने लगे तब हम यूज करेंगे चाइल्ड, ठीक है ना। इसके बाद गर्ल और बॉय अलग अलग सेक्शन में बढ़ जाते हैं। गर्ल और बॉय, अब जेंडर आपका क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट बेटा आपको क्लियर करके चलना है। तो बच्चा प्यास से मर रहा होगा, तो बच्चा लिखा, पीछे पहुंची आप गा, गा के लिए आपने लिखा विल। एक एक चीज का पोस्टमार्टम करिए, एक एक चीज का पोस्टमार्टम करना सीख जाइए। विल हो के लिए आपको लिखना है बी, बी मीन्स होता है होना, तो चाइल्ड विल बी। अब मर रहा, मरना होता है डाई, और डाई में जब आई एन जी लगता है ना, तो आई ई हटके ओ आई हो जाता है डाइंग। चाइल्ड विल बी डाइंग, बच्चा मर रहा होगा प्यास से, ठीक है ना। तो प्यास से यानी कि ऑफ थर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम और ऑफ दो प्रोपोजिशन लगती है जब कोई मरता है तो, ठीक है। अगर एक्सीडेंट से मरे तो विथ, और अगर कोई किसी घटना से मरे, बीमारी वगैरह से मरे, आपदा से मरे, तो ऑफ लगाते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लगाया ऑफ, ठीक है। क्लियर करना है कॉन्सेप्ट आपको, एक ही चीज़ प्रोपोजिशन भी देखना है आपको। जैसे मैं कल वाराणसी जा रहा हूँगा, तो सब्जेक्ट कौन है, मैं, आई, आई पीछे आओ, सीधे आप पीछे आइए, गा, गा के लिए हम लिखेंगे सेल, आई सेल। अब आगे बढ़िए, रहा, जा रहा, ओ सॉरी, हूँ, होना हूँ, इसके लिए हम लिखेंगे बी। आगे बढ़िए, जा रहा, जा रहा की मीनिंग गोइंग, क्या लिखेंगे बेटा, गोइंग, आई शैल बी गोइंग, मैं जा रहा हूँगा वाराणसी, यानी आप लिखो वाराणसी। टुमारो, कल की मीनिंग क्या लिखेंगे बेटा, टुमारो, तो आप बनाएंगे आई शैल बी गोइंग वाराणसी टुमारो। नेक्स्ट, चंद्रमा आकाश में चमक रहा होगा, तो सब्जेक्ट निकालते हैं, कौन चमक रहा होगा, चंद्रमा, चंद्रमा की अंग्रेजी द मून, क्या होगी बेटा, द मून। अब पीछे पहुंचो सीधे डायरेक्ट, गा, गा के लिए हम क्या लिखेंगे, विल। देखिए बेटा किसी कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, सेंटेंस खुद कहता है कि हम ऐसे ही बनेंगे। तो गा के लिए हमने लगाया विल, होना, हो के लिए हम क्या लगाएंगे, वी, शाबाश, ऐसे ही लगाना है आपको। अब चमक रहा, चमकना होता है साइन, साइन में ऐड करेंगे आई एन जी, शाइनिंग, द मून विल बी शाइनिंग, चंद्रमा चमक रहा होगा आकाश में, आकाश में की अंग्रेजी क्या हो जाएगी बेटा, इन द स्काई। हमारा सेंटेंस बन के कम्प्लीट हो गया, द मून विल बी शाइनिंग इन द स्काई। अगर हम बात करें अगले सेंटेंस की, तो वह चोट के कारण विद्यालय नहीं जा रहा होगा, निगेटिव है, नहीं आया है, तो हम सब्जेक्ट को देखेंगे वह, वह की अंग्रेजी हम बनाएंगे ही, वह की अंग्रेजी बनाएंगे हम ही, तो हमने लिखा ही। अब पीछे पहुंचो, गा के लिए हमने लिखा विल,
और नहीं है ना बेटा, तो यहाँ हमने ऐड कर दिया नोट। फिर आगे बढ़िए, हो यानी कि होना के लिए हम लिखेंगे वी, ही विल नॉट बी। अब आगे जा रहा, जाना होता है गो में ऐड कर देंगे आई एन जी। ही विल नॉट बी गोइंग कहाँ, विद्यालय, टू स्कूल, टू स्कूल। क्या बचा बेटा, अब बचा है चोट के कारण ड्यू टू इंजरी। इंजरी मीन्स क्या होता है, चोट, चोटिल। तो ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल ड्यू टू इंजरी। इसके बाद बेटा माली पौधों में पानी नहीं दे रहा होगा। अब देखिएगा यहाँ पर बहुत से बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं और शायद उनमें से आप भी एक हैं। यहाँ पर दे रहा की मीनिंग अधिकांशतः बच्चा गिविंग लगा देता है, लेकिन मैं ऐसा आपको नहीं करना है, इसलिए नहीं करना है क्योंकि गिव मीन्स होता है हाथों में देना। तो पौधों को पानी थोड़ी पकड़ाएगा कोई के लिए, भैया ये मग्घा ले ले पानी पी जा, ऐसे नहीं होता है। तो देने के लिए यहाँ हम वाटर को ही क्रिया मान लेंगे, वाटरिंग लगाना पड़ेगा। तो माली यानी कि गार्डनर। अब होगा के लिए विल और नहीं के लिए नॉट और होना के लिए वी। तो गार्डनर विल नॉट बी, अब पानी देना, वाटरिंग क्या लगाएंगे बेटा, वाटरिंग, वाटर मीन्स पानी, वाटरिंग यानी पानी दे रहा कहाँ, पौधों में, इन द प्लांट्स। क्या लिख देंगे, इन द प्लांट्स, पौधों में। ठीक है, आगे देखो बेटा, लोहार कृषि यंत्र नहीं बेच रहा होगा, तो सब्जेक्ट निकाल लो कौन, लोहार, ब्लैक स्मिथ। क्या लिखेंगे बेटा, ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार। पीछे पहुंचो गा के लिए, एक एक शब्द का पोस्टमार्टम करना सीखिए, बिल्कुल जोर लगाना है। और इस वीडियो को आपको अपने हर मित्र के पास पहुंचाना है। मैं चाहता हूं कि छोटी सी जगह से निकलने वाला वीडियो संपूर्ण भारत में फैल जाए। मैं चाहता हूं कि अंग्रेजी की क्रांति हर घर में हर जगह फैल जाए। इसी तरीका से आप भी सपोर्ट करिएगा बेटा, और इस तरीका का एक एक चीज़ की बारीकी पोस्टमार्टम करिएगा, हर चीज़ का देखिए कौन कहाँ से आता है। नहीं के लिए आपको लिखना है बेटा नॉट, और होना के लिए मेरे प्यारे बच्चों लिख देना है वी, ब्लैक स्मिथ विल नॉट बी। अब बेच रहा के लिए हम बेटा क्या लिख देंगे, सेल, और सेल में ऐड कर देंगे आई एन जी, ब्लैक स्मिथ विल नॉट बी सेलिंग क्या, कृषि यंत्र में लिखेंगे हम एग्रीकल्चर टूल्स। क्या लिख देंगे, एग्रीकल्चर टूल्स, कृषि यंत्र, इस तरीका से बेटा बनेगा। आगे क्या नौकर आम खरीद रहा होगा, तो हमने क्या की मीनिंग बेटा, मैंने बताया भी होगा आपको, आपको पता भी है कि क्या की मीनिंग व्हाट नहीं बनती है। हेल्पिंग वर्ब पीछे देखेंगे और लगा देंगे बिल, क्या लगा देंगे बिल। आगे नौकर क्या है, सर्वेंट मीन्स होता है नौकर। अब होना के लिए फिर बच्चे क्या लिखेंगे हम, बी, बिल सर्वेंट वी। आगे खरीद रहा, खरीदना होता है वाई में ऐड कर देंगे आई एन जी, वाइंग मीन्स खरीदना, परचिंग मीन्स खरीदना, और परचिंग जो होता है परचेज यानी कि बड़ी खरीदारी के लिए हम परचेज लगाएंगे, और आम वगैरह छोटी मोटी चीज़ों के लिए हम बाई को ऐड कर देंगे। बिल सर्वेंट वी बाइंग द मैंगोज, क्या लिख देंगे बेटा, आम के लिए मैंगोज, ऐसे लिख देंगे, आम खरीद रहा होगा। आगे अध्यापक कौन सा प्रश्न पूछ रहा होगा, तो देखिएगा क्वेश्चन मार्क लगा है, तो क्वेश्चन वर्ड कहाँ पर है, कौन सा, और कौन सा बेटा कभी अकेले नहीं आता है, साथ में प्रश्न भी आएगा, कौन सा प्रश्न, विच क्वेश्चन। क्या लिखोगे बेटा, विच क्वेश्चन, कौन सा प्रश्न। अब हेल्पिंग वर्ब अध्यापक के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, विल, और सब्जेक्ट कौन है बेटा, टीचर, विल टीचर वी, और पूछने के लिए हम क्या लगाएंगे, आस्क में ऐड कर देंगे आई एन जी, आस्किंग, और आपका कंप्लीट सेंटेंस हुआ, विच क्वेश्चन विल टीचर वी आस्किंग। नेक्स्ट देखिएगा, चपरासी घंटी कब बजा रहा होगा, क्वेश्चन वर्ड लगा है, क्वेश्चन चिन्ह मार्क लगा है, वर्ड कहाँ, व्हेन, तो हम लिखेंगे कब की अंग्रेजी व्हेन। हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे गा के अनुसार विल, व्हेन विल, सब्जेक्ट कौन है, चपरासी प्यून, चपरासी क्या है, प्यून, और होना के लिए बेटा क्या लिखेंगे भी, एक भी शब्द नहीं बचेगा, व्हेन विल प्यून बी, फिर बजाना,
तो बजाना होता है रिंग, और रिंग में ऐड करेंगे आईएनजी। देखिएगा, बजाना प्ले मींस भी होता है, बजाना रिंग मींस भी होता है। जिसे सॉफ्टली बजाया जाए उसे बोलते हैं प्ले, और जिसे हार्डली बजाया जाए उसमें लगाएंगे रिंग। तो वैन विल प्यून बी रिंगिंग द वेल, वेल मींस घंटी। अब क्या खोया हुआ समय इंतजार कर रहा होगा, ये सेंटेंस आपके लिए है। आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है। बस मैं आपको एक मीनिंग बता रहा हूँ, खोया हुआ समय इसका मीनिंग होगा लॉस्ट टाइम। बस बेटा, ये आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है, मैं भी देखूँ कि आपकी अंग्रेजी कितने हद तक कंप्लीट हो चुकी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अपने हर मित्र तक फैला दो, और अंग्रेजी की क्रांति, डुप्लेक्स इंग्लिश क्लासेस की क्रांति हर जगह फैला दो। चलिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।